तमंचे पर लहराकर डांस करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक तमंचा बरामद किया गया जबकि तीन तमंचे अभी भी पहेली बने हुए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला हमीरपुर जनपद के जरिया थाना क्षेत्र के ग्राम धगुआ का है, जहां पर एक युवक का बार बाला के साथ प्रोग्राम में चार देसी तमंचे लेकर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हरकत में आई हमीरपुर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर एक तमंचा बरामद कर लिया है, जबकि तीन तमंचे अभी भी पुलिस के लिए एक पहेली बने हुए हैं और सवालिया निशान खड़े कर रही है। अवैध असलाहों का बड़ा क्रेज है, अवैध असलाह लेकर तमाम फोटो वीडियो वायरल होते रहते हैं, क्या प्रभावी कार्रवाई की जाएगी? इस संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किए बीट लेवल पर इनके बारे में जानकारी करें, जो भी अवैध असलाह रखते हैं या लेके चलते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए और इनका गुंडा एक्ट में भी चालान किया जाए, क्योंकि ये गुंडागर्दी और लोगों को डराने के लिए असलाह रखे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी जो वीडियो वायरल हुआ था, चार तमंचे लेकर लड़का डांस कर रहा था महेश धगवा गांव में, और जो जन्मदिन के अवसर पर प्राइवेट पार्टी किया था उन्होंने नृत्यांगना उसके साथ डांस कर रहा था, एक तमंचा खुद लेकर डांस कर रहा था, बाकी डांस करने के दौरान तीन लोगों ने अपने अपने तमंचे और दिए। इस संबंध में वीडियो वायरल होने के बाद जानकारी मिली, उसका पता लगा तो उसे गिरफ्तार किया गया, उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, दो कारतूस बरामद हुए, बाकी तीन लोग हैं जो भागे हुए हैं जिनकी तलाश की जा रही है, पुलिस लगातार पीछा कर रही है, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी, ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सख्त। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए सुनील राजपूत की रिपोर्ट।